जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर राजपुताना बस्ती पंचायत में राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी की 25वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। युवा राजद जयनगर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी की 25वां स्थापना दिवस धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया। जयनगर बस्ती पंचायत स्थित पूर्व मुखिया इदरीस मंसूरी के आवास पर एक सादे समारोह का आयोजन कर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर व एक दूसरे को केक खिलाकर पार्टी की स्थापना दिवस मनाया। इस रजत जयंती समारोह में राजद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम युवा प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार प्रभाकर ने कहा, डबल इंजन की नीतीश कुमार के सरकार में महंगाई आसमान छू गई है। आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपये को छू रही है, वही करुआ तेल 200 रुपये के आसपास हो गया है। जब इनकी सरकार नहीं थी तब ये लोग हल्की फुल्की बढ़ोतरी पर अनाप शनाप बोलते थे, आज सभी चुप्पी लादे हुए हैं। क्या बीजेपी में गरीब कार्यकर्ता नहीं है? उन्होंने कहा, नीतीश सरकार के अगुवाई में बिहार बर्बाद हो गया है। वही आरजेडी जयनगर प्रखंड के उपाध्यक्ष डॉक्टर नौसाद अहमद ने इस मौके पर कहा कि कोरोना ने भी सरकार की पोल खोल दी है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी फेल है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे लोग और नीतीश कुमार नींद की बंशी बजाते रहे। इस मौके पर प्रदीप प्रभाकर, अमित यादव, डॉक्टर नौसाद अहमद, सचिन चौधरी, विनोद शर्मा, इदरीस मंसूरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज हम लोग पूरे बिहार में पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, केक काटकर, मिठाइयां बांटकर। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं, और तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जी और सभी लोग संबोधित करेंगे। पार्टी के जितने नेता हैं आज हम लोग जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, और पार्टी का स्थापना दिवस आज हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम लोगों का है कि बिहार में बढ़ते महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, हत्या, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि, कई मांग को लेकर के आज हम लोग संकल्पित हुए हैं कि ये जो निकम्मी सरकार है इस देश में और राज्य में, उसको उखाड़ के फेंक देना है। पार्टी के स्थापना दिवस पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो महंगाई पर लगाम नहीं है, 100 के पार पेट्रोल पंप हो गया, जब 40 रुपये पेट्रोल और डीजल था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि महंगाई डाइन है। आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप बताओ, जब 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल और डीजल, तो क्या महंगाई भौजाई नजर आ रही है? यही हम लोग इस राज्य के और देश के जो आवाम है उसको मैं जागृत करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग जगो, इनके झांसे में मत आओ, ये झांसा राम के झांसे में नहीं आना है। महंगाई भाजपा के लोग हैं उनको नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, भाजपा में गरीब नहीं है क्या? उनको नहीं खरीदना पड़ता है 200 रुपये करुआ तेल? मैं इसीलिए सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि तेजस्वी के नेतृत्व में इस पार्टी को मजबूत करना है। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राम। और हम लोग जयनगर में प्रखंड इकाई राजद के द्वारा पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाए हैं और संकल्प लिए हैं कि जिस उद्देश्य से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पार्टी का स्थापना किया, उस संकल्प को, सामाजिक न्याय के संकल्प को हम लोग नियंत्रण इसी तरह आगे बढ़ाते जाए और इसी तरह हर साल युगों युगों तक पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग मनाते रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल का रजत जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आह्वान पर गरीब दलित शोषितों की आवाज़ रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि भी हम लोग मना रहे हैं। इसके साथ साथ सारे मतलब जो महंगाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आज के आप लोगों के द्वारा पत्रकारों पर भी हमला किया जा रहा है। देखे हुएगा कि पटना में पत्रकारों को लैब आकर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। उस सारे कुरीतियों के लेकर हम लोग राजद जयंती समारोह मना रहे हैं, जिसमें सरकार से हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम आप क्या बना रहे हैं बिहार को, कौन दिशा में लेके जा रहे हैं, किस तरह बिहार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार, यहाँ लोग बाढ़ की
परेशान है, महंगाई के कारण परेशान है, मॉब लिंचिंग हो रहा है। सुशासन बाबू से हम कहना चाहते हैं, आँख का ऑपरेशन जो आप करवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, आप अमेरिका चले जाइए। अगर सुझाई नहीं दे रहा है बिहार में किस तरह का समस्या है, तो आप आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका चल जाइए। फिर वो इस आँख से देखिए कि बिहार में किस तरह लोग तरमाइम कर रहे हैं। बुरा तरह ही इमाम है, पत्रकार पर भी हमला हुआ। इससे पहले प्रशांत कुमार राय के एक पत्रकार थे, उस पर हमला हुआ। अब वेद प्रकाश पे वो मैव लिंचिंग करके हमला हुआ है। मॉब लिंचिंग कहा जाता है इसको। लाइव आके डिबेट करके आके सीधे देखिए हौसला कितना बढ़ गया। मोहम्मदपुर का नरसंहार देख लीजिए आप, जिस तरह से भ्रष्टाचार महंगाई ये सब बढ़ गया है, उससे हम कहना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, आँख का ऑपरेशन आप एक बार फिर से अमरीका में जाके करवा लीजिए कि ताकि आपको सही से नजर आवे। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का 25वें स्थापना दिवस है। इस दिवस के खुशी में हम सारे राजद के कार्यकर्ता एवं नेता एवं इस क्षेत्र के जनता आम आवाम सब खुशियां मना रहे हैं और केक काट कर एक दूसरों को खिला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करें, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कर और प्रखंड के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर घर में लालटेन जलाने का काम करें, हर घर में हरियाली पैदा करें। यही हमारा शुभकामना है, यही हमारी नीयत है। नौशाद अहमद, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड, जयनगर।